पर हमले के मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों की पहचान की। संदिग्ध आरोपियों के कई जानकारों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ जिले और गाजियाबाद, मेरठ और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छापेमारी कर रही है पुलिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंद्रशेखर पर हमले से जुड़ी हुई। पुलिस ने कुछ आरोपियों की पहचान की है, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 8 टीमों का गठन किया गया है और फरीदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ जिले और गाजियाबाद, मेरठ और यूपी में भी अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है पुलिस, क्योंकि गाड़ी का नंबर हरियाणा का था तो इसलिए हरियाणा के भी अलग अलग जिलों में इस वक्त पुलिस रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है। और जल्द से जल्द पुलिस की कोशिश यही है कि चंद्रशेखर पर आखिर हमला किसने करवाया, क्यों करवाया, इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द तलाश कर सके। तो यही वजह है कि पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और तेजी से जांच चल रही है। लगातार संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच कल जब गोली लगी, गोली छूकर निकली जब चंद्रशेखर आजाद को, तो उन्होंने अपील भी की लोगों से कि शांति बनाए रखें। जी मीडिया संवाददाता सहारनपुर से प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या लीड मिली है पुलिस को, किन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है? देखिए, बिल्कुल, चंद्रशेखर पे हमले के बाद गाड़ी पुलिस ने बरामद की थी और उसके बाद जो आरोपी है, जो हमलावर थे, पुलिस ने उनकी भी पहचान लगभग कर ली है। उनके कुछ जो परिचित है, जानकार थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की है। और उनसे मिली लीड्स के आधार पर जो यूपी पुलिस है, सहारनपुर पुलिस, उसने करीब 8 टीमें अपनी बनाई है, जिन्होंने न सिर्फ यूपी के कई शहर हैं, गाज़ियाबाद, मेरठ और दूसरे कई ऐसे शहर हैं वहाँ पे रेड की, बल्कि कुछ रेड्स जो है वो फरीदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ जगहों पर भी रेड्स की जा रही थी, क्योंकि गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो चंडीगढ़ का था। लेकिन इसके बाद जिन लोगों के बारे में जानकारी मिली, तो उनकी को उनसे मिली जानकारी के बाद ही इन जगहों पर रेड्स की जा रही है। और जो सहारनपुर पुलिस है, उनका कहना है कि हमने जो आइडेंटिफाई सारे लोग कर लिए हैं जो कि उस वक्त हमला करने में शामिल थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और कुछ चीज़ें जो जानकारियां मिल रही हैं उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है, उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि जो आरोपी है जब गिरफ्तार किए जाए तो पुलिस के सामने जो है वो सारी थ्योरी और हमला करने के पीछे की वजह, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए। तो पुलिस फिलहाल बहुत ज़्यादा खुलकर मीडिया से जानकारी शेयर नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल सही लाइन पे चल रही है। उन्होंने जिन लोगों को डिटेन किया है उनसे पूछताछ में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी है, लेकिन बाकी चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो हमलावर थे, जब वो पुलिस की कस्टडी में आ जाएंगे तो सारी बातें साफ हो जाएंगी कि आखिर हमला करने के पीछे वजह क्या थी, बहुत क्या साजिश रची थी, क्या ये राजनीतिक कोई वजह थी या कोई रंजिश थी, या किसी बात से ये जो हमलावर थे ये नाराज़ थे, तो क्या ये पूरी वजह थी, ये जैसे गिरफ्तार हो जाएंगे हमलावर उसके बाद साफ हो पाएगी। लेकिन पुलिस को है कि एक लीड जो मिली है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। बिल्कुल प्रमोद, और ये भी बताइएगा आप कि आरोपियों की पहचान तो हो गई है जैसा कि पुलिस बता रही है, लेकिन कितने आरोपी थे और ये जो कार बरामद हुई है आरोपियों की, ये कितनी दूरी पर बरामद हुई है जहां घटना हुई वहां से? देखिए, जहां पे घटना हुई थी उससे कुछ ही दूरी पे, चंद किलोमीटर के दूरी पर एक गांव है, उसके बाहर किसी के घर के बाहर ही गाड़ी को खड़ी करके चले गए थे, और जिसके बाद पुलिस ने जिसके घर के बाहर गाड़ी को खड़ी किया था उसको भी हिरासत में लिया गया था और उससे भी पूछताछ की गई थी और उसने कई सारी ऐसी लीड्स जो है वो पुलिस को बताई थी। क्योंकि अभी पुलिस की जो है रेड्स चल रही है, इसलिए पुलिस ने ऑपरेशनल डिटेल जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की है ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है हैम्पर ना हो, और इसीलिए जो जानकारी पुलिस को लगातार मिलती जा रही थी और उस हमलावरों के बारे में
पुलिस को पता चल गया है कि वो कौन है, उनकी पहचान हो चुकी है। अब सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रेड्स की जा रही है और गिरफ्त में आने के बाद ही वो सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किस तरीके क्यों उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला किया था, किस वजह क्या थी, रंजिश थी, जो हथियार थे वो कहाँ से लाए गए थे, क्योंकि जिस हथियार से हमला किया गया है कहीं ना कहीं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है, जो FSL के लिए जब गाड़ी गई है कल और उसकी फॉरेंसिक जांच की गई है तो FSL के जो एक्सपर्ट हैं उनका भी कहना था कि जो हथियार है वो सोफिस्टिकेटेड था, क्योंकि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी के सामने वाला गेट है, ड्राइविंग सीट के साथ वाला गेट, उसे चीरती हुई वो निकली है और उसी गोली से वो टच करते हुए निकली है चंद्रशेखर की कमर को। तो काफ़ी अच्छा हथियार था, लेकिन वो हथियार कहाँ से आया था, कहाँ से उसे प्रोक्योर किया गया था, कहाँ से मंगवाया गया था, और करीब 2 से 3 हथियार के बारे में जो खुद चश्मदीद है, जो चंद्रशेखर के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, उसमें से काशी मौर्य, उनसे जब जी मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया था कि गोली करीब 4 राउंड गोली चलने के बाद ये लोग नीचे बैठ गए थे और उसके बाद भी वो हवाई फायर करते हुए भागने में कामयाब हो गए थे। गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था जो कि हरियाणा का था, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार उस गाड़ी को चेस कर रही थी, चौक पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी थी, लेकिन गाड़ी कुछ ही दूरी पर एक घर के बाहर खड़ी हुई मिल गई। जो पहचान है वो लगभग हमलावरों की हो चुकी है और पुलिस का ये भी दावा है कि जल्द से जल्द वो तमाम जो हमलावर थे जो उस गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।